अर्थव्यवस्था का अर्थ हस्तक्षेप के संपादक अभिलेंदु उपाध्याय और बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा के साथ। नमस्कार, हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी, आपका अर्थव्यवस्था के अर्थ कार्यक्रम में स्वागत। मित्रों, एके मिश्रा जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में, और जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया भी था कि हमने इस कार्यक्रम की जो संकल्पना की थी वो छोटे उद्यमियों और मझोले उद्यमी हैं उनको ध्यान में रखते हुए की थी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो बड़े उद्योगपति ना होकर के ये छोटा और मझोला उद्योग जो है ये इसकी रीढ़ है, और सबसे ज़्यादा है जॉब क्रिएशन जो है, रोजगार का सृजन भी इसी क्षेत्र में होता है। तो पिछले दिनों एके मिश्रा जी से हम लोगों की लगातार बातचीत हुई थी, और एके मिश्रा जी को जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कई बड़ी एमएनसीज में काम करने का लगभग 20 वर्ष का अनुभव है, वो एक बिजनेस रणनीतिकार भी हैं और कंसल्टेंसी देते हैं कई उद्यमियों को किस तरीके से उनका व्यापार आगे बढ़े, किस तरीके से वो व्यापार में अपना तरक्की करें, क्या नया व्यापार में कदम रखें, इस तरीके की कंसल्टेंसी देते हैं। तो अभी पिछले दिनों हमारे कार्यक्रम में मिश्रा जी ने कहा था कि लघु और जो मध्यम उद्योग हैं और भारतीय मतलब उद्योग जो है संपूर्ण ही, उसके लिए एक नई जो है वो अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलने वाले हैं, और चूंकि वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है इसकी वजह से खुलने जा रहे हैं, मिश्रा जी ने कहा था। उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने जो था वो घोषणा की कि रास्ते खुलने वाले हैं, और फिर एक इस तरीके का माहौल सा जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बनने लगा, जैसे कि चीन के खिलाफ जो है बहुत बड़ा माहौल बन रहा है और चीन जो है वो एकदम से मार्केट से बाहर हो जाएगा। अब वो मार्केट से बाहर होगा या नहीं होगा वो चीज़ एक अलग की है, क्योंकि चीन की जिस तरीके की डेट इकोनॉमी उसने बनाई है, जिस तरीके से उसने लोगों को उसने बांटे हैं मुल्कों को, तो उससे किस तरीके से लोग बाहर निकल पाएंगे तो ये एक अलग की विषय वस्तु है। लेकिन जो मिश्रा जी कह रहे थे कि जो एक रास्ते खुल सकते हैं भारत के उद्यमियों के लिए, तो वो किस तरीके से रास्ते खुलेंगे आज इस पे मिश्रा जी से चर्चा करते हैं कि अगर उनका सोचना है कि रास्ते खुलने वाले हैं तो वो रास्ते कैसे खुलेंगे और किन क्षेत्रों में वो रास्ते खुलेंगे और किस तरीके से हमारा जो व्यापार है वो आगे बढ़ेगा, और व्यापार जब आगे बढ़ेगा तब जाहिर सी बात है जब व्यापार आगे बढ़ेगा तभी लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी भी कम होगी। हालांकि अभी जो सरकार के ही खुद की आंकड़े हैं उसके अनुसार जो था वो लॉकडाउन लागू होने से पहले जो था तब तक के जो आंकड़े थे उसके अनुसार 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो इस भारत में थी, और अब जो गैर सरकारी आंकड़े हैं और जो एक्टिविस्ट हैं जो दावा कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार जो है वो इस लॉकडाउन में छिना है। तो अब ये 12 करोड़ लोगों को नया रोजगार मिलने की भी समस्या है, और जो पहले से बेरोजगार हैं उनके लिए भी नया रोजगार कैसे सृजित हो, तो यानी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो रोजगार सृजन की है, और सरकार से जब उम्मीद की जानी चाहिए थी कि सरकार इस पर ध्यान देगी रोजगार के निर्माण के ऊपर, तो अभी इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती दिख नहीं रही हैं, ना नीतियों में और ना क्रियाकलापों में सरकार के, कि सरकार का ध्यान जो है वो कोई रोजगार सृजन की तरफ है। तो ऐसे में जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से वो सर्वाइव होंगे, और क्या उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या आ सकती है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, और किस तरीके से नया जॉब क्रिएशन होगा, इस पर मिश्रा जी से आज बात करते हैं। मिश्रा जी, आपका क्या कहना है मेरे इन सवालों के ऊपर? सबसे पहले अमलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हस्तक्षेप एकमात्र ऐसा पत्र है, एक अखबार है या डिजिटल वे में प्लेटफॉर्म है जो कि इतनी बारीकी से मुद्दों को उठा रहा है और समाज के लिए उपयोगी इस तरीके से उठा रहा है, जहां पे बातें बहुत हाई फाई और वो नहीं की जाती है, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोगों को फायदा कैसे हो, मुद्दों को उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बातों को समझने और समझाने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं विगत कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा अभी भी लगता है और पहले भी लगता था कि नहीं भाई, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती है, लेकिन अब देखिए मैं सिम्टम बेस बोलूंगा। आप ये देखिए, हमने कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था, आप पिछले प्रोग्राम में देखिए, हमने बोला था कि भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की
यह सबसे सटीक समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये पहला सिम्टम हुआ, यानी जो हमने एनालिसिस की थी ये प्रमाणित हो गया। फिर आप देखिए उसी के बाद अमेरिका से भी ये स्टेटमेंट आया वहां पर कि भारत अगर चाहे तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको छीन सकता है चीन से या दुनिया के किसी और भी देश से। तो ये दो स्टेटमेंट के ठीक पहले हम लोगों ने एनालिसिस की थी जिसका निष्कर्ष यही निकला था, और ये दोनों स्टेटमेंट आ गए, इसका मतलब है कि जो एनालिसिस हमने की थी वो सही था। अब देखिए दो चीजें देखिए, जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, कोई बहुत बड़ी भारत के पास अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है और कंडीशन इकोनॉमी की, बिजनेस की, रोजगार की खराब होती जा रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ कि आज की डेट में वाकई में कंडीशन खराब है। उसके बहुत सारे रीजन है, कोरोना का भी इम्पैक्ट है, ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज जब चलते हैं तो इकोनॉमिक इश्यूज भी अफेक्टेड रहता है, हैम्पर होता है। पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल चेंजेस होता है तो इकोनॉमिक चेंज इमीडिएट होता है, इकोनॉमिक चेंज अगर होते हैं या इकोनॉमी अगर डिसबैलेंस होती है तो वहां की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल चीजें भी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। बात हम ये करेंगे कि भारत के पास जो ये सुनहरा मौका आने वाला है, हम दो पार्ट में बात करेंगे। एक लॉजिकल इविडेंस बेसिस हम ये बात करेंगे कि ये मौका क्यों आएगा, कितने परसेंट गारंटी है आने की, और कैसे आएगा, कहां से आएगा। दूसरा, भारतीय उद्यमी जितने भी हैं छोटे बड़े, इवन अगर एक ठेला लगाने वाला भी आदमी है और एक दुकान रखने वाला भी आदमी है तो इस मौके में भी उसका शेयर होगा, हिस्सा होगा। वहां से लेकर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कारपोरेट जो जीएम्स है इंडिया के बिजनेस के कारपोरेट हाउसेस, उनके लिए भी है। इसका एक ताजा एग्जाम्पल देखिए, हुवेई को बैन किया गया, इमीडिएटली गूगल और रिलायंस ने हाथ मिला लिया कि 5G की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे इंडिया में, और उसके साथ ही साथ स्मार्टफोन हैंडसेट वगैरह भी गूगल और रिलायंस मिल करके इंडिया में प्रोड्यूस करेगा। ये एक पहला एग्जाम्पल है जो कि मेरी एनालिसिस के बाद ठीक है, आप इसको प्रमाण के रूप में बोल सकते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके पास ये प्रमाण है। सेकेंड चीजें देखिए, ग्लोबल सिनेरियो में हम तीन जगह पे देखेंगे इस चीज को। एक ट्रायंगुलर था पहले जो कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को डील करता था या रन करता था या लीड करता था। इसमें सबसे पहला जो रोल था देखा जाए तो वो था गल्फ कंट्री का, क्योंकि 1930 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के बाद से तेल की खोज हुई, और जब तेल की खोज हुई तो तेल या पेट्रो प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बन गए, क्योंकि ऊर्जा के वो अल्टीमेट स्रोत थे। तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता था कि अगर गल्फ के ऊपर कुछ हो जाए, गल्फ की कंट्री में कोई दिक्कत आ जाए तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो जाता था और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती थी। इसका उदाहरण आपने इराक वॉर के टाइम पे देखा होगा, जब कभी ऐसी चीज आती है तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चीजें महंगी हो जाती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन शुरू हो जाता है क्योंकि ऊर्जा के स्रोत मिलते नहीं है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं वो अभी गल्फ में हो रहे हैं। देखिए अब उदाहरण मैंने आपको बोला था कि मैं एग्जाम्पल्स और कुछ ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं उनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी थी गल्फ के ऊपर वो लगभग खत्म होने वाली है, यानी पेट्रोल के चंगुल से पूरी दुनिया आजाद होने वाला है। अब इसके लक्षण देखिए, सिम्टम्स क्या है। कुछ साल पहले सऊदी ने अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता था, यानी उदारवादी की नीति उसने अपना ली है, महिलाओं को लाइसेंस देना शुरू किया, उसके बाद उसने सिनेमा हॉल भी खोला और वहां पे ये डिक्लेयर किया गया कि हम टूरिज्म को जो है प्रमोट करेंगे। सऊदी अरब जैसी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, दुबई ये पहले ही कर चुका है, समझ चुका था। अभी देखिए हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई है, ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब ने यह डिसाइड किया है कि इकोनॉमिक रिसेशन से बचने के लिए वो अपने एसेट्स को बेचेगा, दूसरे कंट्रीज से वो उधार लेगा, दूसरे कंट्रीज से वो टाई अप करेगा। सऊदी अरब जैसे रिच कंट्री को अगर ये सब चीजें करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है उनको अब ये लग गया है कि उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पेट्रोल के ऊपर नहीं रह गई है, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब पेट्रोल के चंगुल से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मुक्त होगी तो इकोनॉमी का एक नया आयाम या
जो है डायनामिक्स आपको देखने को मिलेगा, और ये रिप्लेस होगा सोलर एनर्जी वगैरह इन सब चीजों से, इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह से कारें वगैरह आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, दूसरा ये रिप्लेस होगा, आप देखिए ओपेक ने एक बार रशिया को बोला था कि आप पेट्रोल की कीमतें कम मत करिए, रशिया नहीं माना, उसको अपनी इकोनॉमी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए वो पेट्रोल की कीमतों को कम करता रहा और इंटरनेशनल मार्केट में बेचता रहा। रशिया में भी जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं वो इनकम का वहां के टोटल जो है अगर आप जीडीपी का देखेंगे या सकल घरेलू उत्पाद वगैरह इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कुछ दिनों पहले कि हमें पेट्रोल के लिए किसी देश पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल दूंगा वेनेजुएला का, जो कि पेट्रो इकोनॉमी थी वो भी बहुत रिच था, पेट्रोल बहुत ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा प्रूवन भंडार जो है वो वेनेजुएला में है, मैं प्रूवन भंडार प्रूवन जो है पेट्रोल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भंडार की बात कर रहा हूं, जो कि एक टेक्निकल टर्म है। तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला में था, वेनेजुएला पेट्रोल के होते हुए भी कोलैप्स कर गया। इसी तरीके से गल्फ की जो इकोनॉमी है वो वर्ज ऑफ कोलैप्स पे आकर के खड़ी हो गई है। इस वक्त उनकी जो फाइट चल रही है वो ये चल रही है कि हम कैसे भी करके अपने लाइफ स्टाइल, अपने स्टेटस को मेंटेन कर लें। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वैक्यूम उस तरफ से आने वाला है, इकोनॉमिक शिफ्ट। अच्छा, अब दूसरी चीजें देखिए, आरामको जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, उसने रिलायंस के साथ टाई अप किया, ये भी खबरें थी। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई, जिन लोगों के टॉयलेट और कारें सोने की होती थी वो अब दूसरे लोगों से टाई अप कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को जो है इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे इनकम के सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, पहली चीज। और सिम्टम इसलिए भी है कि गल्फ की प्रॉस्पेरिटी पर ही अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी और उसके साथ साथ यूरोपियन देशों की प्रॉस्पेरिटी टिकी हुई थी। यानी अगर गल्फ में पेट्रो बिजनेस होता था तो उसका बेनिफिट अमेरिका और यूरोप वगैरह को भी मिलता था। इसीलिए अमेरिका ने ये देखा कि अब इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना बहुत जो है जरूरी नहीं है, हमें अपना वो करना चाहिए, तो वो पेट्रोल पे इंडिपेंडेंट हो गए, यानी अपने कुओं से उन्होंने ज्यादा तेल निकालना शुरू किया। दूसरे हम सिम्टम की बात करते हैं, चाइना ने जो कंडीशन डेवलप की है या ग्लोबल सिनेरियो में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीजें डेवलप हो रही हैं, दो पहलू है। कुछ लोग बोल सकते हैं चाइना ग्रो कर रहा है, जैसे चाइना गल्फ कंट्री से रिलेशन बना रहा है बिजनेस के लिए, अफ्रीकन कंट्री से, ईरान से, लेन देन बिजनेस और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी चाइना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था पेइंग पोटेंशियल कहाँ है, जहां पॉपुलेशन होती है वहां पेइंग पोटेंशियल होता है। इन सारे देशों से चाइना की इकोनॉमी उतनी सस्टेनेबल या स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी की अभी है, 12-13 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। तो वहां पे उनके रिलेशन बहुत अच्छे भी हो जाएं, लेकिन वो एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट नहीं है, ये सारे देश जो हैं बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट नहीं है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी इनकी बहुत कम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक खबर और आई कि ह्यूस्टन में जो है ये बोला गया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने चाइना को बोला कि आप अपने दूतावास को बंद कर दीजिए, वाणिज्य दूतावास को बंद कर दीजिए, बदले में चाइना ने भी वुहान में किया। यानी कि ये कसीदगियां जो है बढ़ती जा रही है, राइवलरी बढ़ती जा रही है। देखिए इशू था पॉलिटिकल इशू शुरू हुआ, आपका मिलिट्री इशू में ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी कि मिलिट्री इशू इन्वॉल्व हुआ। मिलिट्री इशू जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री इशू मिल करके इकोनॉमिक इशू बनते चले जा रहे हैं और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है, बैन हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के साथ चैलेंज ये है कि उनको चाइना जैसी प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट मिलती रहे, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको बनाना ही है, इकोनॉमी तो उनको भी जो है अपना सस्टेन करके रखना है, उसके लिए वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। चाइना का एकदम एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट का अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो वो इंडिया हो सकता है। और एक ऑप्शन और है मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि मान लीजिए सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं और उसके बाद भी अगर चाइना, कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना फिर से रिवाइव कर जाएगा, लेकिन डेंट के साथ रिवाइव करेगा, और अगर डेंट के साथ भी रिवाइव करेगा तो भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो शेयर है वो इंडिया को मिलना तय है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है, पूरे दुनिया में लगभग 200 देश हैं, 200 देश में जो चीजें चाइना के पास हैं वो चाइना को छोड़ के दुनिया में कौन से ऐसे देश में है आप मुझे बता दीजिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ फील्ड में बहुत आगे है, उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मैन पावर की कमी है, मजदूर तो चाहिए ना आपको, अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन का मास्टर बनना है
तो आपको मजदूर चाहिए, मैन पावर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को मिला करके तो वहां पे कंडीशन ऐसी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह नहीं लगाना चाहेंगे, वो एक ऐसे मार्केट प्लेस को ढूंढ रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी अमेरिकन और जो है वेस्टर्न, उसका पेटेंट देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के पास है। वो एक रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट टू चाइना हो, और साथ ही साथ एक चीज जो चीज चाइना में नहीं थी, इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं थी, इसीलिए जासूसी के इतने सारे आरोप लग रहे हैं। इथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस में ना होने के कारण सारे देश डरे हुए हैं कि चाइनीज लोग बिजनेस कम करते हैं, जासूसी ज्यादा करते हैं। तो इकोनॉमी प्लस इथिक्स, यानी बिजनेस प्लस इथिक्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर दुनिया में कहीं मिलता है तो वह इंडिया में मिलता है। देखिए, बिजनेस के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए पूरी दुनिया मजबूर होगी कि वो भारत की तरफ रुख करे किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। एक इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की बात करूं, जब मैं इंटीग्रेटेड इकोनॉमी टर्म यूज करता हूं तो इसका मतलब होता है जहां पे प्रोडक्शन भी हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो, प्रोफेशनल्स भी हो और मार्केट भी हो, अपने आप में सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी हो। इस टर्म को आप ध्यान दीजिएगा, केवल इंडिया एक ऐसा है जहां पे कि सेल्फ सफिशियंट इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन सकता है। उसके रीजन है, किसी को भी सेल्फ सफिशियंट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बनने के लिए 5-6 चीजों की जरूरत होती है, जिनको हम 5 बेसिक रिसोर्सेज बोलते हैं मैनेजमेंट में, 5M के नाम से उनको जाना जाता है। मैन होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, मेथड यानी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मनी होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी और मनी इंडिया में भी है, और जो जरूरत पड़ेगी वो बाहर से यहाँ पे पुश होगी, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, जो ज्यादातर हिस्सा आएगा, पोर्शन आएगा। अभी देखिए 500-600 कंपनियां ऐसी खबर आ रही हैं जो चाइना से उठ के इंडिया में आने वाली हैं। इन ये पांचों चीजें जो बेसिक रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में, या तो चाइना के पास था या इंडिया के पास है, और किसी देश के पास ये पांचों चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलती हैं। आप दुनिया का किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो मैन पावर नहीं है और मार्केट नहीं है, किसी के पास मनी है तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन पावर और मार्केट नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, और इसके साथ साथ एक बोनस सरप्लस चीज जो मिलती है वो होता है बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स में भारत अपना देश और भारतीय बहुत अच्छे हैं, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। इसीलिए विदेश के भी सारे नेताओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बोला है कि भारत ने दुनिया का विश्वास जीता है, भारत ग्लोबल जो है फेथ को जीतने में कामयाब हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर पूरी दुनिया हमारे ऊपर विश्वास दिखा रही है तो ये एक जबरदस्त इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक इन्फ्लो जो होने वाला है, फंड का इन्फ्लो होने वाला है इंडिया में, वो होने वाला है और बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। देखिए, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये बोलेंगे कि ठीक है, आज इकोनॉमी डाउन है, अब हमारे उद्योगपतियों को, चाहे वो छोटे हो, मझोले हो या कारपोरेट हो, उनको करना क्या चाहिए। हो सकता है, देखिए इमीडिएट तो है नहीं कि कल से ही ये शुरू हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, 1.5-1.5 साल का टाइम लगेगा। तो इस वक्त क्या क्राइसिस, इस वक्त प्रॉब्लम सबके साथ है, सर्वाइव करना भी भारत में, चाहे वो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन हो, चाहे एक दुकान वाला हो, कोई भी हो, कोविड के लॉकडाउन के कारण और ग्लोबल जो क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल और मिलिट्री है, इन सब चीजों के कारण सबके सामने प्रॉब्लम है। तो इसमें करना क्या चाहिए, देखिए इसमें मिनिमम सर्वाइवल की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए आज के 1.5 साल बाद जब सिचुएशन सामान्य होगी और मार्केट, इंडियन मार्केट में फंड का, कैश का, मनी का इनफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा, आप यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, कॉरपोरेट हैं, आप अपने अस्तित्व को बचाए रखिए। बचाए रखिए मतलब जितनी सेल हो रही है आप उतनी सेल करते रहिए, कोई एक्स्ट्रा आप प्रोजेक्ट वगैरह उसमें इन्वेस्ट मत करिए अगर आप बहुत ज्यादा एश्योर्ड नहीं है। और अगर कुछ ना हो सके तो मार्केट में अपनी प्रेजेंस दो जगह पे बना के रखिए, ग्लोबल मार्केट यानी ग्राउंड जीरो पे आप रखिए, मार्केट में जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे आप सूचना का आदान प्रदान करते रहिए, ईमेल्स वगैरह और बेस्ट विशेस वगैरह त्योहारों के, फेस्टिव त्योहारों के भेजते रहिए, ताकि लोगों को पता ये चलता रहे कि आप अभी भी मार्केट में एक प्लेयर हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, आप मार्केट से आउट हो गए, तो उस टाइम अपने आप को रीस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए,
कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, यूट्यूब चैनल हो, आपके कंपनी की वेबसाइट हो, आप उसको शट डाउन मत होने दीजिए, मिनिमाइज मत होने दीजिए, बल्कि ये टाइम है कि आप अपने जो है इंटरनेट पे जितनी भी चीजें आपकी अवेलेबल है, सोशल मीडिया, वेबसाइट वगैरह, उनका प्रमोशन आप ग्लोबल लेवल पे कीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में कनेक्टिविटी बढ़ाइए, डिजिटल कनेक्टिविटी आप मार्केट में जो है थ्रो करिए, उसको बढ़ाइए। उसका रीजन है कि एटलीस्ट आपका काम भले ही अभी मंदा चल रहा हो, लेकिन दुनिया को तो ये पता चले कि आप किस चीज में एक्सपर्टाइज रखते हैं, और जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी ओपन होगी और इंडिया की तरफ शिफ्ट होगी, देखिए फाइनेंस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे रीजन है, और रोजगार भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं दिखेगा। जैसे ही इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, रोजगार अपने आप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जब मनी यहाँ पे पंप होगा तो वो मनी अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होते होते छोटे मोटे जो एमएसएमई के हमारे बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे कल पुर्जे बना करके सप्लाई करते हैं, उनको जॉब वर्क मिलेगा, तो पैसा उन तक भी पहुंचेगा। तो जो एक फंड फ्लो की साइकिल होती है, वो चीजें वहां पे बहुत तेजी से स्टार्ट होंगी। यानी आपको पैसा मिलेगा काम करने के लिए, जॉब वर्क करने के लिए, आप उनको वो चीजें बना करके देंगे, वो चीजें मार्केट में जाएंगी, तो दुकानदारों को पैसा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, तो कंज्यूमर के जेब में पैसा जाएगा, तो वो चीजों को परचेज करना शुरू करेगा। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉर्पोरेट घराने हो, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हो, चाहे एकदम से ही छोटा कोई बिजनेसमैन हो, एक छोटी सी शॉप भी जिसकी हो, आप जो है वर्स्ट कंडीशन की सर्वाइवल टेक्निक को अपनाइए। इस वक्त बहुत ही मिनिमाइज करिए, जितना जरूरत है बिजनेस को उतना करिए, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करिए। 4-6 महीने का अभी टाइम है, तब तक आप प्रमोट भी कर लेंगे, ताकि जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो ऑलरेडी लोगों को पता होना चाहिए कि फलाने चीज यहाँ पे मिलती है, और आपको रेडी वे में जो है कस्टमर या क्लाइंट मिलने शुरू हो जाए। और मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी के लिए मौका आने वाला है, ऐसा नहीं है कि गूगल और रिलायंस ने जो है हाथ मिला लिया कि हम 5G टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड फोन वगैरह स्मार्टफोन बनाएंगे, तो ये मौका उनके लिए नहीं है। जब मौका आता है तो एक आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके लिए भी मौका आएगा, उसमें आपका शेयर होगा आपके साइज के हिसाब से। आप एक शॉपकीपर हैं तो आपके लिए भी उस प्रॉस्पेरिटी में आपका अपना शेयर रहेगा। आपको एक्टिव होकर के अपने शेयर को इनकैश करना है। हर सेक्टर के, हर साइज के लोगों के लिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट कोई काम करने वाला हो, इवन जो लोग लॉरी वगैरह चलाते हैं, थ्री व्हीलर पे सप्लाई करते हैं, उनके लिए भी मौका मिलेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेटेरियल सप्लाई के लिए चाहिए ना, लॉरी वगैरह, थ्री व्हीलर वगैरह चाहिए, ट्रक वगैरह चाहिए, तो सारी इंडस्ट्री को गति मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ इन चीजों को देख के, जो ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। ऑप्शन इस वक्त दुनिया के पास भारत के सिवा कोई और नहीं है। और एक रीजन और है, मैं बोलता हूँ कि चाइना, चलिए ठीक है चाइना की चीजें फिर से सही हो जाएंगी, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया का इतना तो विश्वास हिला है कि उसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन आफ्टर चाइना, कि एक सेकेंड ऑप्शन क्या रखा जाए। चाइना कभी भी धोखा दे सकता है, तो चाइना के सिवा एक सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो सेकेंड ऑप्शन इंडिया है। तो जो सेकेंड ऑप्शन इंडिया का डिविडेंड आपको मिलने वाला है, मैं मिनिमम की बात करूं तो भी इंडिया एज ए सेकेंड ऑप्शन का डिविडेंड आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस डिविडेंड को इनकैश करने के लिए जो जरूरी इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट अभी आप वो करिए, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करिए, उसकी एडवर्टीजमेंट करिए, मार्केटिंग करिए, और मिनिमम बिजनेस ऑपरेशंस करते रहिए, और फ्यूचर को देखते हुए क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, या जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, वो स्ट्रेटजी आप एटलीस्ट अपना पूरा तैयार करके रखिए, कि उस वक्त ऐसा ना हो कि हाँ जी अब ये हो गया तो आपाधापी में अब हम करें। उस वक्त हो सकता है शायद आपको मौका ना मिले, दूसरे लोग मार्केट को लीड कर जाए। तो प्री लॉन्चिंग जो प्रिपरेशन होती है, आप उस प्रिपरेशन को तैयार करके रखिए। आप चाहे बड़े उद्योगपति हो, चाहे छोटे उद्योगपति हैं, और कोई अगर आपका सवाल हो तो पूछिए। नहीं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरा क्या मतलब, जो आपने बातें कही हैं वो ठीक है, आपकी बातें अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं और सही भी हैं, लेकिन जो अभी तक की जो परिस्थितियां देश के सामने रही हैं, अब जैसे कि आपने अभी रिलायंस और जियो का और गूगल का आपने उदाहरण दिया, देखिए अभी तक जो भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट आया है,
तो वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड में आया है, ट्रेडिंग में, इंडस्ट्री में नहीं आया अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट। और जो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आए भी थे तो मुझे लगता है कि कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो यहाँ अपने शटडाउन करके चली गई, जैसे देवू मोटर्स हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी, आपको याद होगा, वो बंद करके चली गई। हीरो होंडा का प्लांट बंद हो गया, हमारी खुद की एटलस कंपनी बंद हो गई। तो हमारे जो उद्योग थे, मतलब हमारे उद्योगों में शटडाउन हो रहा है और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ट्रेड में आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है ट्रेड में। और जो ट्रेड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जो है वो ठीक है, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम खुश हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लघु और जो मझोले उद्योग हैं उनकी ही कमर तोड़ रहा है, एमएसएमई के जो मार्केट है उस पर वो कब्जा कर रहा है, यानी व्यापारी हमारा जो है वो उनका मजदूर बनता जा रहा है। तो ये चीजें जो सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये खतरा है, और ये किस खतरे से व्यापारी नहीं निपट सकता, ये चूंकि पॉलिसी लेवल की चीजें हैं तो इसमें जो है सरकार की भूमिका बनती है। दूसरी में मेरा जो सोच रही है, जो आपने जो बात कही अभी, आपने बात कही, मैं उससे लगता है कि देखिए हम जो अभी तक जितनी भी आशाएं हम लगा रहे हैं वो सिर्फ हम इस आशा पे, मतलब ये आशा है हमारी कि चीन का अगर पराभव होगा तो हमारा उत्थान होगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर सिर्फ अगर एक ही अगर हमारे पास आस्पेक्ट है कि चीन का पराभव होगा तब हमारा उत्थान होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें तो फिर जो है थोड़ा और ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। हालांकि आपने जो अंत में जो आपने जो सुझाव दिया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन का पराभव हो या हमारा उत्थान हो, दोनों परिस्थितियां जो भी बने, मतलब जो भी हो या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए या नहीं आए, लेकिन जो हमारे छोटे और जो मझोले उद्योग हैं उनको अपनी तैयारी करके रखनी है। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ जिसको हम लोग बार बार संबोधित कर रहे हैं, उनको मार्केट में टिके रहना है हर तरीके से, और अपने उद्योग को या अपने व्यापार को बनाए रखना है, और लगातार अपने जो कस्टमर्स उनके रहे हैं और जो नए कस्टमर्स हैं उन तक उनकी अपनी पहुंच जो है वो बना के रखनी चाहिए। जो भी परिस्थितियां बने, चाहे विदेश से इन्वेस्टमेंट आए, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे, जिस तरीके से भी हो, मतलब उनको इस परिदृश्य से किसी भी तरीके से गायब नहीं होना है। तो पहली चुनौती जो उनके सामने है, मतलब वो चीजें जब होंगी तब होंगी, जो असली चुनौती है और जिस पर उनको काम करना है वो यही है कि उनको इस परिदृश्य में हर हाल में बने रहना है। मैं जहां तक आपकी बात समझ पाया हूँ उसका लबुलवाब यही है कि आपको मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला किया जाना है, और इन परिस्थितियों में आपको हर तरीके से टिके रहना है, और यही आप जो टिके रहेंगे तो यही आगे चल करके आपके लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, आपने हीरो होंडा का एग्जांपल दिया, वो एक नेचुरल टाई अप जो था उसका ब्रेकअप था, उन लोगों ने पहले ही टाई अप किया था, भारत की हीरो जो हीरो साइकिल्स बनाती थी और होंडा मोटर्स ने, कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे इन चीजों को, और इतने सालों के बाद हमारा टाई अप होगा और दोनों कंपनियां अलग हो गई। होंडा ने अपना, मैं इसको ये बोलूंगा कि एक कंपनी खत्म नहीं हुई, एक कंपनी खत्म हुई तो दो हुआ, दो कंपनियां पैदा हुई। होंडा अलग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुका है और वो होंडा के नाम से उसकी मोटरसाइकिल आती हैं और हीरो का अपना अलग नाम से आती है। पहली चीज तो प्रेजेंट करने का, देखिए क्रिटिकल अप्रोच आपका सही है। डेवू जो बंद हुआ, डेवू बंद होने के कारण उसमें, देखिए सरकार की नीतियों को मैं 100% सही नहीं मानता हूं। डेवू जब बंद हुआ तो वो बहुत पहले का था, और डेवू मोटर के बंद होने के पीछे जो कारण था उसी गवर्नमेंट तो सेम थी, पॉलिसी सेम थी, सारी कंपनियां चलती रही और डेवू बंद हो गई। तो उसके जो बंद होने के रीजन थे वो अपने इंटरनल रीजन थे, मे बी पॉसिबल कि वो कॉम्पिटिशन मार्केट के कॉम्पिटिशन को, ऑटोमोबाइल कॉम्पिटिशन को वो फेस नहीं कर पाए हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना रही हो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी सारी कंपनियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए सेम थी, कुछ ग्रो कर गए और डेवू बंद हो गया। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो आपने ये बोला कि हम भारतीय इस चीज के भरोसे बैठे हैं कि चीन का पराभव होगा तो हमारा उत्थान होगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि चीन का पराभव होगा। देखिए, उत्थान और पतन चलता रहता है। चीन का उत्थान हुआ तो उनके अपने मेहनत के कारण हुआ, और अपनी गलतियों के कारण उनका पतन भी हो रहा है या होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि उत्थान और पतन होता, अब गल्फ, अगर आज की डेट में गल्फ में ये सिचुएशन बन रही है तो उसके लिए भारतीय थोड़ी जिम्मेदार है, हम थोड़ी जिम्मेदार है। नेचर ने एक मौका दिया, गल्फ में जो इतनी प्रॉस्पेरिटी आई वो उनके जो है ईमानदारी या उनके उसके कारण थोड़ी आई थी। गल्फ में जो प्रॉस्पेरिटी आई थी वो नेचर ने उनको दिया था, पेट्रोल वहां पे था
और उन्होंने उसको इनकैश किया, जबरदस्त उन्होंने इनकैश किया, पूरी दुनिया को उन्होंने नचा के रखा पेट्रोल पे जिनका जिनका अधिकार था। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर वो मौका परस्त हो सकते हैं, गल्फ मौका परस्त हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज हो सकती है, चाइना हो सकता है, तो इंडिया जो है क्यों नहीं हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इंडियन बिजनेसमैन जितने हैं, कीप योर सेल्फ रेडी, फास्टन योर बेल्ट, फास्टन योर बेल्ट, आप अपने आप को रेडी मूड में रखिए। ग्लोबल सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, उसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है। ये दुनिया में जो चीजें चल रही है, भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इन सब टर्मोइल्स के लिए। वो उन देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उन देशों की अपनी नियति थी जो वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी गलतियों से उनको लॉस हो रहा है, हमारे कारण लॉस नहीं हो रहा है। ये एक मौका है और मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कई ग्लोबल इकोनॉमिक हब दुनिया में वैक्यूम क्रिएट करने जा रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो इस मौके को लेकर के हम इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी और इवन ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी, पावर प्ले को भी हम लीड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास एनफ टैलेंट है, जो दो तीन चीजें नहीं होती हैं वो भी हमको मिल जाएंगी। लोगों की मजबूरी है, दुनिया की मजबूरी है, तो सारी रिसोर्सेस को इकट्ठा करके उनका एक बेहतरीन यूज करते हुए एक जो मौका आ रहा है, आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करके रखिए। जी बिल्कुल, कोई ग्लानी की बात हमें पालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अच्छा देखिए, पास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, इसने इकोनॉमिक पॉलिसीज में इतने बदलाव लाए हैं, वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ऑन पेपर तो आ गए हैं, इम्प्लीमेंट होते होते, प्रैक्टिस होते होते जो है टाइम लगेगा, उसका अभ्यास होते होते, लोगों के जो है मार्केट में उसको एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में। अब देखिए चेंजेस क्या है, मैं आपको बताता हूं। 100% 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिली, गवर्नमेंट ने ये चेंज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी 2022 से लेकर, रेल और हाईवे का बहुत सारे ऐसे। देखिए जीएसटी क्यों आया, मैं आपको बताऊं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो एक बहुत बड़ा रोड़ा होती थी, हर्डल होता था, क्योंकि हम कॉर्पोरेट में काम किए हैं, लोग बोलते थे कि हर स्टेट में अलग अपना टैक्सेशन की पॉलिसी है, तो एक यूनिफाइड टैक्स यहाँ पे क्यों नहीं किया जाए। जीएसटी को लाने का पर्पज ये है कि यूनिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट बिजनेस के लिए होना चाहिए, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आए एक ही सिंगल विंडो से उनके सारे काम हो जाए। ऐसा नहीं कि, अच्छा एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जीएसटी वगैरह आने से पहले जितनी कंपनियां होती थी उनको हर स्टेट में अपना एक अलग डिपो बनाना पड़ता था, और डिपो बनाने के बाद वहां का टिन वगैरह लेकर के वहां से बिलिंग करना पड़ता था, क्योंकि नियम कानून अलग अलग थे। यानी अगर 28 स्टेट हैं तो मजबूरी में उनको 28 स्टेट में वेयर हाउस बना करके वहां का टिन नंबर वगैरह लेकर के वहां से बिलिंग करना पड़ता था, वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं कर सकते थे। अब आपका डिपो कहीं पे भी हो और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप मेटेरियल बिल कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी जो लाया जा रहा है, और ये सारे चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ही है, चाइना में भी इवन ऐसे है, सिंगल विंडो स्कीम जो होती है। तो 2014 मेक इन इंडिया, देखिए गवर्नमेंट बहुत ही विजनरी गवर्नमेंट है, इस मामले में देखा जाए इन्होंने मेक इन इंडिया बहुत पहले शुरू किया। क्यों शुरू किया, इस चीज को प्रमोट करने के लिए शुरू किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की जो लोकल उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है। वो चीजें मेरे ख्याल से अब लगभग पूरी हो रही हैं, मैक्सिमम 2022-24 तक पूरी हो जाएंगी। तो आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, मैं समझता हूँ कि इस मौके को इनकैश करना चाहिए। नहीं, आशाओं पे मतलब तुषारापात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आशाएं हमारी जीवित रहनी चाहिए, और बिजनेस गवर्नमेंट है वो बिजनेस विजन तो हम लोगों को दिख रहा है कि कितना विजन है और अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है। बहरहाल हम लोगों को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे और अच्छे दिन आएंगे, हम सबके अच्छे दिन आएंगे। ये आशा और उम्मीद जो है हम लोगों को निश्चित रखनी चाहिए, और भले ही आए या ना आए उम्मीद बरकरार रहे, और उम्मीदों के साथ साथ हमको जो अपने प्रयास हैं वो हमको जो है लगातार करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तभी उन सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयास करते हैं।
तो सपने भी हम अच्छे देखें और उन अच्छे सपनों को साकार करने के लिए अच्छी अच्छा काम भी करें। अब आप इस परिचर्चा को पॉलिटिकल उसमें लेकर के जा रहे हैं। लेकर के नहीं जा रहा हूँ मैं पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल में चाहते हैं तो एक सेशन अब पॉलिटिकल भी वो हो जाए, उसमें कोई दोराय नहीं है। नहीं वो कर लिया जाएगा। मैंने इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को एकदम अलग रखा हुआ है, गवर्नमेंट कोई भी हो। हाँ नहीं ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी हो, मतलब सवाल यही है कि जो हमारी देखिए इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स से इतर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो हमारी पॉलिसीज जो होती हैं, हमारी पॉलिटिक्स जो होती है वो निर्धारित करती है। और बल्कि ये कहा जाए कि हमारी ये इकोनॉमी जो है उससे हमारी अगर पॉलिटिक्स तय होती है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी जिस तरीके की इकोनॉमी होती है उसी तरीके से हमारे जो है पॉलिटिकल इक्वेशंस बनते हैं और वो हमारे क्या मतलब सारी दुनिया में बनते हैं, और सारी दुनिया में जितने भी राजनीतिक तनाव होते हैं उसके पीछे जो है इकोनॉमी ही होती है। मतलब अभी जो चीन और अमेरिका का हम जो युद्ध की स्थिति जो देख रहे हैं वो दरअसल एक ट्रेड वार ही है। मतलब ना चीन ने अमेरिका की मैं आपको निचोड़ बताता हूँ। अमलेंदु जी सुनिए, आप किधर, मैं आपको निचोड़ बताता हूँ और इस पोर्शन को भी रखिएगा। 2014 के बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा है इकोनॉमी डेवलप करने में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रही हो, इकोनॉमी कहीं ना कहीं डेवलप हुई है, तभी हम यहाँ पहुंचे हैं। 2014 के बाद जो इतनी निराशावादी आपके बातों से लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने केवल एक सिंपल चेंज किया है। सारे चेंज का अगर कंक्लूजन देखेंगे तो ये है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई मुझे ईमानदारी से आप ये बता दो आपने कितना बिजनेस किया, ईमानदारी से टैक्स दे दो। हालत सबकी खराब होनी शुरू हो गई। आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, एक बिजनेसमैन जिसके पास 50 करोड़ की दिल्ली में कोठी है, चार चार फॉरेन की कारें, चार चार करोड़ रुपए की रखी है, और यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ का एसेट्स उसके पास है, बंगला गाड़ी घोड़ा, और वो 1 करोड़ का जो है बैलेंस शीट दिखा करके 1-2 लाख रुपए अपने बिजनेस का टैक्स भर रहा है, तो ये क्वेश्चन लाजमी है ना कि अगर साल भर का तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ का है तो तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने 10 करोड़ की गाड़ियां कैसे खड़ी है, ये 50 करोड़ की कोठी तुमने कैसे खड़ी की हुई है, अपने बेटे के नाम पे 50 शहरों में तुमने फ्लैट कैसे लिया है। गवर्नमेंट ने तो केवल इतना पूछा ना कि आप ईमानदारी से डिक्लेयर कर दो इस डिफरेंस का, इस गैप का जो है मुझे रीजन बता दो, और बस केवल एक दुखती नब्ज पे गवर्नमेंट ने हाथ रखा। और आप जैसे पत्रकार लोग भी उनका ये बोलने लगे कि एकदम घोर निराशावादी। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग ये चाहते हैं कि इजी मनी मेकिंग यानी चोरी से टैक्स बचा के ये करके अगर हम बिजनेस कर पाए तो उनके लिए कभी भी सर्वाइवल नहीं है। कभी न कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसा आएगा, गवर्नमेंट ऐसी आएगी या कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो चीजें होंगे। और एक चीज बताओ, जिन्होंने ऑनेस्टी के साथ बिजनेस नहीं किया है वो डूबेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी में भी डूबेंगे और डोमेस्टिक में भी डूबेंगे। इथिक्स की बात मैंने इसीलिए बोली थी, चाइना के ऊपर हमारा सरप्लस क्या है, हमारा एज क्या है कि अगर कोई भी आएगा वो बिजनेस पोटेंशियल प्लस इथिक्स, इंडिया के पास इथिक्स है कि बिजनेस पोटेंशियल तो है चाइना के पास, मैन्युफैक्चरिंग ये सब है, हमारे पास एडिशनल क्या है, हमारे पास इथिक्स है। हम जितने भी आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं वो इथिकल एक परिचर्चा है। यहाँ पे हम ऐसा प्रमोट नहीं करते हैं कि आप टैक्स बचा लो, वो गवर्नमेंट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो नियम लाएगी कि नहीं लाएगी वो डिफरेंट चीज है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बीइंग ए बिजनेसमैन और एमएसएमई आपको उन नियमों को पालन करना ही करना है। बिना ई वे बिल के आप गाड़ी पास करके दिखा दीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो आपको बदलते हुए माहौल में एडॉप्टेशन करना, एडॉप्ट देखिए क्या है, ग्लोबल लेवल पे सारी चीजें बदल रही है। तो वही तो मैंने ये बोला कि जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करिए। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, मैं कोडक जैसी कंपनी का एग्जाम्पल दूंगा, नोकिया जैसी कंपनी का एग्जाम्पल दूंगा जो कि जीएन थे, महारथी थे बिजनेस की दुनिया के। नोकिया के डूबने का रीजन ये बताया जाता है 90% 95% जिसका मार्केट शेयर होता था, जो बोलते थे कि हम कभी डूबेंगे नहीं, वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं, एक छोटा सा चेंज उन्होंने नहीं किया वो डूब गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप निराशावादी होके गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसियों को कोसते रहें। आज चीजें नहीं हो रही है पॉजिटिव तो आप उसी को बेस मान करके अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई 10 पीढ़ी तक तो हम ये बोलेंगे कि कुछ होगा ही नहीं। तो ये आप कैसे सिनेरियो को देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उस तरीके की परिस्थितियों के अनुसार व्यापार करना है तो उस तरीके से ढालना होगा। तो जो भी परिस्थितियां हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालें। और
टिके रहें, सरकारें आती जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश रहेगा और अर्थव्यवस्था हमारी रहेगी। और ये हमको उम्मीद करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी आगे चल कर के होगी और देश हमारा आगे चल के तरक्की करेगा। तो मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने लंबा समय निकाला अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में। और मित्रों, आप लोगों ने भी ये पूरी परिचर्चा सुनी होगी और आपको परिचर्चा ये पसंद भी आई होगी। और हम फिर एक बार स्पष्ट कर दें कि हमारा ध्यान जो है वो जो इस अर्थव्यवस्था की असली रील छोटे और मझोले उद्योग हैं या छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनके ऊपर केंद्रित है। और हम चाहते हैं कि आपकी समस्याएं जो आपकी हैं वो हम चर्चा करें उन पे, आपके सवाल हों उन पे हम चर्चा करें। आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बिजनेस कंसल्टेंसी की आवश्यकता हो, मिश्रा जी उपलब्ध हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपने प्रमोशन के लिए आवश्यकता हो, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हों आप वो हमको बताएं और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अगले कार्यक्रम तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। मिश्रा जी ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमलेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को जो आपके इस अखबार को, इस प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और दूसरों तक शेयर करके जानकारी को भी शेयर करते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू।